जी एक सवाल है, अगर 11 तक लेके आपकी आवाज इतनी अच्छी है, ठीक है ना, आपने सुर भी सीखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी बॉलीवुड वाले आपके पीछे आए हो? जी जरूर, छोटे मैं वैसे ना, बच्चों के लिए भी एक है ऐसे मिसाल, बिल्कुल आया है। अलीगढ़ में मैं गाता था स्टेज पे, तो फिर लखनऊ, कानपुर और नॉर्थ इंडिया के जितने भी शहर हैं वहाँ पे शो वगैरह होता था, और मोहम्मद रफ़ी साहब का गाता था मैं ज़्यादातर, तो काफ़ी मशहूर भी था। और उस दौरान फिर वो ऑडिशन वगैरह हुआ करते थे। आजकल के दौर में जैसे ऑडिशन होता वो नहीं था, वो दौर था कि डायरेक्टर वगैरह डायरेक्ट बुला लेते थे कि आपको ट्रायल पे लेना है। उस तरह के ऑफर्स मुझे कई दफ़ा आए, और एक दफ़ा ऐसा हुआ क्योंकि कनेक्शन था, लोग जानते भी थे और इंडस्ट्री में बाकायदा वो लोग थे, तो उन्होंने कहा कि आपको ट्रायल की ज़रूरत नहीं है और ना ही ऑडिशन की ज़रूरत है, आपसे रिकॉर्डिंग करवानी, मतलब किसी फिल्म के लिए, किसी मूवी के लिए। तो वो एक एक्सट्रीम टाइम था जब मुझे ऑफर मिला और खत आया कि इस तरह से, तो मैंने फिर हजरत साहब को मैसेज भेजा ना, तो साथ ही मैंने अपजान को भी बताया कि ये सिचुएशन है, क्या क्या करना चाहिए। लेकिन मैं भी सोचता, मेरे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, वो क्या क्या अच्छा अब्बाजान ऐसे सूरत में क्या करना चाहिए, वो प्रॉब्लम में फेंक देते ना हमें बेसिकली कि चलो अब्बाजान डिसाइड करो क्या करना है। तो मैंने भी शायद इसी तरह से किया था, अब्बाजान को मैं प्रॉब्लम डाल दिया, कहते कि बस जो हजूर कहेंगे वो, उन्होंने इस तरह से मैसेज किया मुझे, तो उस खत का मुझे जवाब देना था और फिर उन्होंने स्केड्यूल भेजना था, मैंने जाना था बॉम्बे और रिकॉर्डिंग वगैरह होनी थी, इस तरह की बात थी। मैं इंतजार कर रहा था, फिर हंसा हुआ खत आया, उसमें थे कि मैं तुम्हें लंदन में तुम्हारा इंतजार करूंगा, जस्ट इतना ही मैसेज था उसमें। तो मुझे पता चला कि ये बात नहीं है। तो बहरहाल उसका हजरत साहब को याद भी था ये वाक्या, ये बात, तो मैंने फिर वो उसको उस तरह प्रोसीड नहीं किया। बहुत अल्लाह ताला का फजल था, वो एक कश्मकश और एक वो क्या थी, आप समझ सकते हैं कि क्या एक कैफियत, तो यंग थे उस वक्त, जाहिर सी बात है इतने बड़ा ऑफर था, और हमारे जो ग्रुप थे सब जानते थे कि अब ये जाके सिंगर बनेगा तो बहरहाल वो उस दौर से निकल आए। जब हसाब से 91 में मिले थे, वो 45 मिनट्स की मीटिंग थी मेरी हसाब से, उस वक्त हसाब ने सारा कुछ पूछा और प्यार किया, फिर बोसा भी दिया उन्होंने। उसकी वजह ये थी कि हसाब पूछे थे कि अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मतलब उन्होंने पूछा कि तुम्हें खत आया था वो जिसके मुझे तुमने इन्फॉर्म किया था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह की वो बात थी। हर साहब ने अप्रिशिएट भी किया उस चीज़ को और एक तरह से हौसला अफजाई। तो फिर हर साहब ने एक सवाल और भी किया जो भी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, बच्चों के लिए भी है ये एक मिसाल। साहब ने पूछा कि तुम्हारे फैंस तो थे, मैंने कहा जी, उनका कोई मैसेज आया उसके बाद, क्योंकि मैंने छोड़ के चलाया ना सारा कुछ। मैंने कहा जी हुजूर, खत आते थे सारे फैंस के। तो कहते किस तरह का वो था मैसेज था। मैंने कहा उसमें से एक था मैसेज जो कि तुम इतना बड़ा मौका, चांस उसको छोड़ के तुम चले गए, या तो तुम पागल हो या तो तुम्हें बहुत कुछ बड़ी चीज मिल गई हो, दैट वॉज द मैसेज। तो मैंने हजूर को कहा कि हजूर ये वो मैसेज थी। तो बड़े हजूर मुस्कुरा के कहते अच्छा तो तुमने क्या जवाब दिया तो मैंने कहा हजूर मुझे तो बहुत बड़ी चीज मिल गई, जाहिर सी बात है हम पागल तो नहीं है हर साहब उठ के आए, फिर उन्होंने बोसा दिया मुझे।